एंड आई एम हियर फर्स्ट टाइम. सबसे पहले मैंने ये जगह एक्सप्लोर नहीं की. ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है. सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग फुजैरा जा रहे हैं. तो फुजैरा एक्चुअली हमें कुछ थोड़ा काम करवाना है और एक दोस्त को मिलना है. जो मॉर्निंग की ड्राइव भी हो गई है और ब्रेकफास्ट भी हम फुजैरा जाके करेंगे. तो आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल मॉर्निंग अक्रॉस माउंटेन्स एंड बड़ा प्यारा रास्ता है. और मॉर्निंग में तो अभी टेम्परेचर भी लो है, दिन में गर्मी बहुत है. आप चाहेंगे तो 46, 45, 47 इवन 8 o'clock इन द मॉर्निंग यू विल हैव फील ऑफ 40. एक साइट प्रिजर्व की भी है अली भाई. बेसिकली इन्होंने ये कल्चरल टाइप बनाया है बस सारा. ये है, वही है लॉजिकल.
किला है यहाँ का, अल हेल किला। हम इस वक्त हैं फुजैरा मेन सिटी, बट फुजैरा के साथ 2 किलोमीटर अंदर आके यहाँ पे एक तो वादी है इनका, हॉर्टिकल्चरल एक साइट प्रिजर्व की हुई है इन्होंने। ये आप देखें सारा यहाँ पे नेचुरल है, यहाँ पे कोई आपको लाइट्स एंड रोड्स और वो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आएंगे, ये सारा इनका कल्चरल साइट मेंटेन है। अभी यहाँ पे फोर्ट है एंड देयर इज़ अ मॉस्क, विल गो देयर आई विल शो यू, जो एक हिस्टोरिकल लिए आप हेरिटेज काइंड ऑफ थिंग्स मेंटेन करते हैं, आपके साइट्स होते हैं, तो वो बड़ा वेल मेंटेन किया हुआ इन्होंने। आई एम हियर फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैंने ये जगह एक्सप्लोर नहीं की, बस फुजैरा आते थे, मेन फुजैरा एंड बीच एंड दैट्स इट, बैक होम। बट इस दफ़ा मैं कहा ज़रा अंदर जाते हैं, जो वैलीज हैं, वादियाँ हैं यहाँ पे, एक्चुअली द विलेज लाइफ, कंट्री साइड लाइफ ऑफ द यूएई। नीचे तक पूरी एक्सेस है, अंदर भी जा रहे हैं। हाँ हाँ, सब सब भाई अरबी, इधर आप फ्राइडे को आ जाओ, रश होगा भाई, अरबियों की फैमिली आके बैठी होती है इधर, चूल्हे बूले लेके और आगे जल रही है, खाने पक रहे हैं, दे दबा दब, और पब्लिक बहुत पब्लिक आती है। चलिए आप देखें पीछे, बहुत सुकून है, वेरी पीसफुल, परिंदे हैं, उनकी आवाज़ें हैं और मुर्गे बोल रहे हैं जैसे लिटरली जो गांव में होते हैं। ये देखें यहाँ पे एक हट बनी हुई है, हम पीछे देख रहे होंगे, खैर ये आपको फोर्ट दिखाता हूँ। और मॉस्क, जो पुराना इनका कल्चर, ओल्ड कल्चर था, कैसे मॉक्स हुआ करती थी, किस तरह से ये रहा करते थे, तो वो सब उसी स्टैंडर्ड्स पे चीज़ें इन्होंने मेंटेन कर रखी हैं। ये मस्जिद है और ये मस्जिद का सहन है छोटा सा, भाई।
आजकल तो पानी नहीं है, मगर एक जब पानी होता है तो बहुत अच्छा सीन होता है उधर। और वो नीचे पहाड़ों से ऊपर से भी पानी आता है, तो नीचे जब आप ड्राइव थ्रू करके आते हैं पहाड़ों के बीच में से, तो वहाँ पर भी अच्छा पानी होता है। और यहाँ पर जो है जैसे इनका किला विला बना है, तो वो किला है, लोग यहाँ पर आते हैं। पानी जो है भाई, उसका कनेक्शन बारिश से है कि जब, हाँ जब पानी आता है और मतलब डैम में होता है पानी, तो वहाँ पर जमा होता है, फिर वो फ्लो वहीं से होके जो है ना पहाड़ों पर से पानी गुजरता है। कि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा, हाँ वो तो ज़ाहिर सी बात है, वो जरदारी साहब को जो है ना उनको पता है, साहबजादे जो हैं वो जरदारी के उनको पता है, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। चलिए देखो जी, बकरियाँ वो घूम रही हैं, खाने के लिए जो हमारी भूख पूरी हो जाए, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे वर्कशॉप जाना है, गाड़ी का काम करवाना है, एंड देन वी विल गो बैक टू शारजा। चलें देखते हैं होटल में क्या अवेलेबल है, कोई पराठा वगैरह मिलता है या नहीं। तो